हम फूड लवर के नाम है हमारा, भारत की जनता को चिकन बना के खिलाते हैं। खुशबू बढ़िया आ रही है, कैसा बना है? बढ़िया। सो हेलो फूड लवर्स, आज की वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं आया हूँ झुग्गियों में, जहाँ पर हमने इनसे फरमाइश की है कि हमें आप चिकन बना के खिलाएं, और ये इतने प्यारे लोग हैं कि इन्होंने हमारी जो फरमाइश है वो एक्सेप्ट कर लिया है। तो सबसे पहले अम्मा जी से मैं पूछना चाहूँगा, अम्मा जी अपना नाम बता दीजिए एक बार हमारे दर्शकों को। फूलवती। फूलवती जी, हाँ। उम्र कितनी है अपनी? 60 की। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मुर्गा बनाना, ठीक है? तो चलो चलो खड़े हो जाओ। ओके, अंदर घुस जाए। हाँ खड़ा है। ये देखिए गाइस, ये यहाँ पे रहते हैं ना अम्मा, झुग्गी को है भैया। चलो और दिखाते हैं आपको क्या कुछ है। ये देखिए इस तरीके के सेटअप, ये रसोई है। हाँ किचन है। एक जे रही रहन सहन का है। चलो आ जाओ। वो चूहे कहाँ पे थे? चूहे दिखाओ। आ जाओ, चूहे दिखाएंगे हम आपको। ये काटते तो नहीं है? दिखाइयो। काट रही है तो देख लो, फिर देख लो, है ना? वो उसके बच्चे हैं, वो काटती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हूँ क्लोजअप ले ले यार, तेरी भैंस की आँख। तुम्हारी महफिल में आ गए। ये बेचारी डर रही है, पकड़ना एक बार। नहीं यार इतने पकड़ो इसको यार। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, काटते नहीं है। नहीं यार, नहीं नहीं, पकड़ ले इसको। जाएगा नहीं, कहीं नहीं जाएगा ये, यहाँ से कहीं नहीं जाओगा इसके अंदर। अच्छा कोई बच्चा पकड़ो इसको, पकड़ो जो नहीं डरता। आजा ऋषभ को लेता हूँ मैं। पकड़ ऋषभ। दिखाना। अरे ये देखिए, ये देख बच्चे टैलेंटेड हैं। वाह ये बढ़िया, छोटा सा क्यूट सा, ये भी है ना। ये भी छोटे और हैं, इससे छोटे भी और हैं। अभी भी आई है वो कल परसों। अच्छा छोटे, क्या बात है यार। तो ये पाल रखे है तुमने, है ना? हाँ जी। कितने हैं ये तुम्हारे पास? ये हमारे पास ये भी 10 ही हैं, और 8 से और बिहार गई है अभी। ओके, एक बिहार ही है। इसके साथ की चुईया भी तो है उसमें। अच्छा वो देखिए प्यारे प्यारे 3-4 निकल रहे हैं। हटियो बेटा, 3-4 नहीं बना रहे हैं। लाल लाल आंखें इनकी। क्या कहना चाहेगा ऋषभ? वाओ सुपर। वाइट 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 अच्छे लगते हैं ना यार। तो जी जैसे मैंने ना, मैं आपकी झुग्गियों के अंदर गया, मैंने देखा, मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल आया। कौन सा सवाल आया सर? सवाल ये आया कि जब बारिश वगैरह आती है जी, तूफान वगैरह आता है, हमारे जो पक्के मकान है उनका बुरा हाल हो जाता है। कॉलोनियों में जो रहते हैं, कईयों के घर नीचे हैं, वो बेचारे दुखी हो जाते हैं। तो आपकी तो ये झुग्गियाँ हैं बिल्कुल, ये तो ईंट पत्थर से भी नहीं बनी हुई। जी हाँ। तो क्या गुजरती है आपके ऊपर? मैं इसके बारे में बहुत कड़ी गुजरती है सर। अब बारिश होती है, कीचकांद हो जाती है, और जब लेटरिन की परेशानी, सब बात की परेशानी रहती है। समय तो काटनी पड़ती है। जब भगवान ने हमको गरीब बनाया तो गरीब ही रहेंगे हम तो। तिरपाल ओढ़ के गुजारा, तिरपाल ओढ़ ओढ़ के, पिन्नी फट जाती है, तूफान आते हैं तो पिन्नी भी फट जाती है। जैसे ये झुग्गी है, जैसे ऐसे उखड़ जाती है पूरी झुग्गी। हाँ जी, उखड़ जाती है। परेशान होते हैं बच्चे, बीमार होते हैं सारे बच्चे भी बीमार होते हैं बारिश में, और परेशानी आती है। बारिश में भीजते हैं ना, वो तूफान आता है तो बारिश, तो उसके लिए फिर पिन्नी लानी पड़ती है। दोबारा पिन्नी लाएंगे, फिर दोबारा पिन्नी बनाएंगे, फिर गाड़ेंगे। अच्छा जी हाँ। अब सरकार से हम यही अनुरोध करते हैं कि हम कहाँ से कैसे आकर के उसे थोड़ी बहुत मदद। आप लोग मजदूरी करते हो? मजदूरी करते हैं, बेनतारी करते हैं, मजदूरी करते हैं। और क्या हमारे यही काम है। अब मतलब किसी से मांगते नहीं हो? नहीं, किसी से मांगते नहीं है बेटे। मांग के तो क्या, कौन खवा देगा। प्रदेश से आए मतलब। मैं अपने जो व्यूवर्स हैं उनको ये कहना चाहूँगा, जो ये वीडियो देख रहे हैं, यस, कि इनकी जो भी हेल्प हो सके ना, इनकी हेल्प करें। इनको काफ़ी ज़रूरत है हेल्प की। ज़रूरत है जी, बस कम से कम बेसिक चीज़ इनको, कम से कम जो आदमी को बेसिक चीज़ें होती है ना, ये रोटी, कोई मकान वगैरह, कुछ बंदा अपना पैसों से बना सकता है। ये झुग्गी को भी अच्छे पक्की बनाई जा सकती है ना, बना सकती है। तो इनको बेसिक सुविधा प्रोवाइड की जाए। इस देश में इतने करोड़ों अरबों रुपए, अरबपति है इस देश में, अरबपति पड़े हैं। तो इनको ये भी पता नहीं है कि हमारे पास कितना पैसा है। 1% अगर इनकी हेल्प हो सके ना, जरूर करें इनकी हेल्प। इस देश में इतने अरबपति लोग बैठे हैं, मैं कहूँगा 1% अगर इनकी हेल्प हो सके, कृपया इनकी हेल्प करें। बस यही है हजूर की हमारी प्रार्थनाएं। अगर आप इनकी हेल्प करोगे, मैं दोबारा आऊँगा, और आप मेरे थ्रू इनको स्पॉन्सर कर सकते हो। जैसे कि आज मैं इनके लिए जो चिकन की मैंने व्यवस्था करी है खाने की, जो आप लोग खाते हो, इसमें कोई वो बात नहीं है, ठीक है। खाते हैं तो खाते हैं। तो अगर आप स्पॉन्सर करना चाहते हो, मैं दोबारा इनके लिए कुछ बहुत सारी चीज़ें लेकर आऊँगा। आप मेरे को स्पॉन्सर कर सकते हो, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है। तो दोबारा भी कुछ बड़ा करेंगे। अगर जनता आपकी हेल्प करती है तो मुझे क्या दिक्कत है सर, है ना। बिल्कुल, जनता, मैं अपनी तरफ से जितनी हो सकती है मेरी तरफ से मैं हेल्प करूँगा। बाकी मैं जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ। तो पहले अभी चिकन भी खाते हैं ना। यस, खाइए 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 खाइए। So let's review guys। चलो फिर अब श्री गणेश करते हैं। करो साहब, है ना। पहले आप करो, आप बड़े हो। करो भाई साहब, चलो करिए, शुरू करिए। हैं पीस देखिए कितने ही बढ़िया हैं, पूरे लबाबदार हैं। हाँ, क्लोज अप दिखा दे ऋषभ भाई। आजा, आगे आजा चाहे। ये देख, वाह यार वाह, क्या सीन है, नज़ारे हैं। आह, खुशबू बढ़िया आ रही है। कैसा बना है? बढ़िया। पहले हाँ, बढ़िया बना है। मज़े आ गए ना। जैसे डेली बनाते हो वैसे ही है। ऐसा ही है। आज तो कुछ ज़्यादा ही टेस्ट बना होगा, है ना, क्योंकि इतने सारे जमावड़ा लग गया। खाइए खाइए खाइए। मैं ये वाला पीस लेता हूँ, लेग वाला, विंग्स वाला है शायद। ये लेग अपनी फेवरेट है। गरम है ना। वाह, लेग वाला पीस है। आ जाओ ना, गरम काफी है। बाबू जी कैसा सर बनाया? सब्जी कैसी बनी है आपकी? बढ़िया बनी है ना, जबरदस्त बनी है, एक नंबर। सारे होटल, सारे रेस्टोरेंट, सारे ढाबे चैलेंज है, ऐसा अगर टेस्ट बन जाए तो। मैंने अभी तक जितनी भी जगह पे खाया ना, ऐसा नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला। और भी कोई भी आवे, कोई किसी को और दोबारा सेवा का मौका फिर देना सर। जरूर जरूर जरूर। तो जनता से अपील है कि मैं ना इनको काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है अपनी दिनचर्या गुजारने के लिए। हाँ जी, तो बारिश आती है, मेरी जितनी भी हैसियत है मैं उस अकॉर्डिंग मैंने इनको छोटी सी ट्रीट दी है और मैं इनको एक बहुत ग्रैंडर और बढ़िया ट्रीट देना चाहता हूँ और इनको कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, कुछ ज़रूरत का सामान वगैरह। सर्दियाँ हैं जैसे, ठीक है, बारिशें, हाँ सर्दियाँ हैं, बारिशें, मैं इनकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है स्पॉन्सर करें, कुछ हेल्प करें ताकि मैं इनकी हेल्प कर सकूं। धन्यवाद। है ना, धन्यवाद। तो मैं जनता को कह रहा हूं जो भी आपकी हेल्प करना चाहता है मेरे थ्रू आपकी हेल्प कर सकता है ना। अगर जनता आपको सपोर्ट करेगी तो स्क्रीन पे मैंने नंबर दे दिया है, आपको डिटेल्स दे दिया, आपको तुम्हारे माथे चढ़ा है हम जो तुम्हारा, हम जिंदगी भर नाम लेंगे, हमारे बच्चे नाम लेंगे आपको। तो कुछ डोनेट कर दें इनके लिए। मुसीबत है गरीब आदमी की भाई साहब, गरीब आदमी तो वक्त काटने के चक्कर में, अब आंधी बारिश के तो कोई पता नहीं कब आ जाए। हाँ, कोई मौका ही नहीं, परेशानी बहुत काफ़ी आदमी है और मैं रियली इनकी हेल्प करना चाहता हूँ जितनी भी हो सके और आपसे भी अपील है कि कृपया इनकी हेल्प करें। धन्यवाद आपके लिए, आपके लिए धन्यवाद साहब, आपके लिए धन्यवाद बेटा, आपके लिए धन्यवाद। हमारे लिए हेल्प करोगे तो आपकी हौसला भी फले फूलेगी।